हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि LNMU पार्ट वन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को जो है सो इन 6 टॉपिक्स के ऊपर डाउट रहता है, तो आज इस वीडियो में सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इस 6 टॉपिक से अलग कोई भी टॉपिक पर डाउट होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिग्नेचर। तो फ्रेंड, सिग्नेचर में आपको करना क्या है, जैसे कि जब आप अपना प्रैक्टिकल कॉपी बना लोगे उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट टीचर से सिग्नेचर कराना है, और हो सके तो आप अपना कॉलेज का स्टैम्प भी लगा सकते हो। वैसे कॉलेज का स्टैम्प इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट टीचर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट लिखना है प्रैक्टिकल कॉपी में, वो है मिनिमम 3 to 4 आपको लिखना होता है प्रैक्टिकल कॉपी में। और उसके बाद जो है थर्ड डायग्राम। तो डायग्राम का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड, जो जब आप प्रैक्टिकल कॉपी में डायग्राम बनाओगे तो वो ओनली पेंसिल से बना होना चाहिए, उसमें पेन यूज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉल पेन हो चाहे जेल पेन हो, उसमें ओनली पेंसिल से ही नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका बना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पे है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको वही वाला लेके जाना है जब आपने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे है वाइवा। तो फ्रेंड, जिन कैंडिडेट्स का वाइवा होगा वो अपना वाइवा देंगे, और जिन कैंडिडेट्स का मैथ सब्सिडरी है उनका वाइवा नहीं होता है। और उसके बाद जो है सिक्स नंबर पे सब्सिडरी प्रैक्टिकल। तो सब्सिडरी प्रैक्टिकल आपका डेट कब आएगा, जब सारे ऑनर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद LNMU सब्सिडरी प्रैक्टिकल का प्रोग्राम लिस्ट जारी करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका इन 6 टॉपिक्स के ऊपर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।